नंबर वन। ब्रेक के बाद रोलेंगे, फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा बानी और हम प्रेजेंट्स भौजी नंबर वन सीजन चार पावर्ड बाय रूपा फ्रंटलाइन। दोस्तों अब हमनी के बानीसन भोजन के साथ अपना अगला उस सेगमेंट में जहां भोजन से चार चार सवाल पूछल जाए और चार चार सवाल पर पांच पांच अंक बांटल जाए। सही जवाब मिली तब पांच अंक मिली, गलत जवाब मिली तो जीरो अंक मिली। तो आए अपन भोजन के साथ खेला जाओ अपन अगला राउंड, कौन कितना पानी में, कौन कितना पानी में, आई देखल जाओ आज कौन भौजी ज्यादा स्कोर कर रहा बड़ी। सबसे पहले रंगली और हम पहला सवाल रउआ से पूछेम, ईबा बताई नेक को हिंदी में क्या कहा जाता है। नेक एक इंग्लिश वर्ड बा जरा हिंदी मीनिंग रउआ बतावे के बा। ऑप्शंस बा ए गला, बी कंधा, सी नाक और डी हाथ। नाक। नाक यस। बिल्कुल गलत जवाब, नेक गला के कहल जाला। सिंपल सा कॉमन सेंस के सवाल रहे, पांच अंक यहाँ रउआ गवा दिल बानी। आगे बढ़ रहा बानी, टीबी रोग से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और ऑप्शंस बा ए फेफड़े, बी गुर्दे, सी हृदय या डी कोई नहीं। फेफड़े। पक्का बा? और ये पक्का, बिल्कुल पक्का बा, सही जवाब। पांच अंक रउआ यहां बना ले बानी। और अगला प्रश्न बार रउआ से, भारत के मैप में उत्तर प्रदेश किस दिशा में बसा हुआ है, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में या पश्चिम में। उत्तर में। पक्का? बिल्कुल सही जवाब, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल भारत में उत्तर में, बिल्कुल सही जवाब। अब चौथा जे सवाल बा, आखिरी सवाल जे बा रउआ से बा, ई कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए किस बूटी को वैद्य ने मंगाया था। ऑप्शंस बा ए कंचन प्रभा, बी लोचन प्रभा, सी संजीवनी बूटी या डी ब्रह्मी बूटी। संजीवनी बूटी। पक्का? यस yes। बिल्कुल सही जवाब, हिमालय पर्वत से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए रहे। 15 अंक रउआ बनेले बानी, अच्छा खेलनी है, बहुत बधाई बा, जोरदार तालियां इंट्राला। अब लक्ष्मी जी प्लीज मुस्कुराएं एक बार, अब बताइए हमारे पहला सवाल के जवाब। जनसंख्या के आकार के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शंस बा ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश। कंफर्म बानी? बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पूछ रहा बानी, पांच अंक यहां बटोर चुकल बानी रहुआ। भौजी नंबर वन सीजन टू के विजेता कौन रहे। सुमन। ऑप्शन हम दे रहा बानी फिर बताई, ए नीलम, बी सुमन, सी रोहिला या डी हीना। सुमन। कंफर्म बानी? गलत जवाब। तीसरा एपिसोड ही चल रहा बा और पिछले दो एपिसोड में हम कह रहा बानी कि सीजन टू के विनर हीना जी सामने बैठल बाड़ी। सर ध्यान नहीं, तो इतना सिंपल, ऐसे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकत। ध्यान नहीं थी सुमन। चलिए कोई बात नहीं खे, तीसरा सवाल बरुआ से, महुआ पर दोपहर 1:30 बजे प्रसारित होने वाले मूवी शो का नाम क्या है। ऑप्शन बा ए पिक्चर हॉल, बी महुआ फिल्मोत्सव, सी मूवी ऑफ द मंथ या डी महुआ टॉकीज। ऑप्शंस दे दे बानी बताएं जवाब। इस समय तो मूवी ऑफ द मंथ दिखला रहता है जी। मूवी ऑफ द मंथ। मूवी ऑफ द मंथ कह के फिल्म दिखावल जाला। जवाब राउर गलत बा, सही जवाब बा महुआ टॉकीज। सोमवार से रविवार को महुआ टॉकीज पे फिल्में दिखाई जाती हैं। महुआ टॉकीज ओकरा उस शो के नाम देवल गेल बा। ठीक बा भाभी, चूक गेल बानी आखिरी सवाल रउआ से बा, 10 अंक राउर खाता में जुड़ल बा। ठीक बा भाभी, बढ़िया आगे सामने पहुंची रूपा फ्रंट लाइन झुमरी भाभी जी पूजा जी, रउआ से हमार पहला सवाल बा, ध्यान से सुनी और जवाब दी। रावण किस भगवान की पूजा करते थे। ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा या डी इनमें से कोई नहीं। ए शिव। बिल्कुल सही जवाब, भगवान शिव के परम भक्त रावण। दूसरा सवाल, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था। युद्ध सामग्री रखने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, पानी के लिए या
सैनिकों को छिपाने के लिए। पहला वाला क्या है? युद्ध के सामग्री को रखने के लिए। युद्ध के सामग्री को रखने के लिए। कंफर्म है आप? जी बिल्कुल, आपका कंफर्मेशन गलत है। गलत जवाब देनी है रउआ, अनाज के भंडारण ला गोल घर के बनावल गेल रहे। और रउआ जान के ताज्जुब होई कि गोल घर बनावल तो गेल रहे अनाज के भंडारण ला, लेकिन आज तक वो में अनाज के भंडारण ना हो पाई। तीसरा सवाल रउआ से बा, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? और ऑप्शंस बा, ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, या डी शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था। एक मिनट, ऑप्शन फिर से बोलिएगा। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। जहांगीर। गलत जवाब, आपने शुरू में सही बोला था, जहांगीर शाहजहां के अबू थे। चूक गई हैं आप यहां पे। चौथा सवाल, चौथा प्रश्न रउआ से बा, ई अल्ट्रावायलेट किरणें कहां से निकलती हैं? और ऑप्शंस बा, ए चंद्रमा, बी तारे, सी सूर्य, या डी धरती। सूर्य। कंफर्म बानी रउआ? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। और अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से ही जे मानव शरीर में सनबर्न हो जाला, वो वही अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होला, सूर्य से निकलती है। बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक यहाँ बटोरनी है। भाभी जी, विजय लक्ष्मी जी, पहला सवाल रउआ से बा, ए धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होने का भय होता है? ऑप्शन बा, ए कैंसर, बी हृदय रोग, सी खांसी, या डी सभी। कैंसर। गलत जवाब, इनमें से सभी। धूम्रपान करने से कैंसर भी हो सकता है, हृदय रोग भी होगा और खांसी भी होगी। कोई बात नहीं के, अगला सवाल 5 अंक चूक गई बा, आगे देखी। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? और ऑप्शंस बा, ए 10 बार, बी 40 बार, सी 72 बार, या डी 20 बार। 72। गलत जवाब, सिर्फ 20 बार। तीसरा प्रश्न के ध्यान से सुनी और जवाब दी हमरा, बताई देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी जन शताब्दी एक्सप्रेस, या डी लाइफलाइन। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, या लाइफलाइन एक्सप्रेस। जवाब दी भाभी, राजधानी एक्सप्रेस। कंफर्म बानी? गलत जवाब, शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन बा हिंदुस्तान में, जो लगभग 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेला। भाभी जी, चौथा सवाल बा रउआ से, ही तीनों प्रश्न के मौका रउआ गवा देले बानी। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया था? और ऑप्शंस बा, ए गीता, बी महाभारत, सी रामायण, या डी इनमें से कोई नहीं। गीता। जी गीता। गीता में किया गया था। जी पक्का बा? पक्का। बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक हुआ बटोर ले ले बनी, गीता में किया गया था। जज लोगिन के पास हम पहुंचे और आज के एपिसोड के ऊपर में हम जानेम कि रउआ लोगिन का विचार रख रहल बानी। तो हिना जी, सबसे पहले रउआ, आज का कंपटीशन देख के पता लग रहा है कि हाँ अब टफ हो जाएगा, लेकिन वही क्वेश्चन आंसर राउंड में शायद घबराहट है। विजय जी, बहुत सारा शुभकामना, लेकिन काल खातिर हम चाहता नहीं कि तगड़ा तैयारी रखे। विजय जी चाह रहा बड़ी कि भाभी लोग हर फील्ड में अपन दावा बुलंदी से ठोके लोग। अजीत भाई, हिना जी और विजय भाजी सब कुछ कहला सलो एकदम बिल्कुल सही बटे, शुभकामना देता नहीं कि यानी कि कल के शाम और बढ़िया हुई। अब स्कोर के बारी बा, और स्कोर हम बताएं सभी लोगों के, और हम रंगीली 76, पोटो छबेली 65, रूपा फ्रंटलाइन झुमरी 119, पासपोर्ट रसीली 80। ढेर सारी शुभकामनाएं अपन प्यारी प्यारी भोजन के दे रहल बानी, और अपन जज लोगों से विदाई ले रहल बानी, रउआ लोग इनसे वादा कर रहल बानी। पलका आई, देखिए हमारा वादा जी बा, हम वादा तोड़ते नहीं, हम वादा निभाने वाले इंसान हैं। और वादा मुलाकात करें काल के यही टाइम पे, काल यही शो में, जेकर रउआ लोग इनके बेसब्री से इंतजार रहेला। राउर ही पसंदीदा प्रोग्राम और हम प्रेजेंट्स भोजन नंबर 1 सीजन 4 पावर्ड बाई रूपा फ्रंट लाइन।